गुड मॉर्निंग राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? अभी किसी एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो माता रानी एकदम सब पे आप अपना कृपा बनाए रखें। तो आज नवरात्रा का दूसरा दिन है, तो मैं सुबह सुबह एकदम रेडी हो गई, क्योंकि मम्मी बोलती है पूजा पाठ में साड़ी पहनना चाहिए, तुम साड़ी नहीं पहनती हो, तो इस वजह से मैं सोच चलो सही रहता है। अभी करने जा रही हूँ पूजा करने के लिए, अभी सुबह सुबह 6:30 बजे है। गई और लाडो जा रही है और स्कूल रहता है, तो फिर 9 बजे चली जाती है, फिर 9:30 बजे तक घर आके फिर स्कूल चली जाती है। मैथिली खिलाने के लिए एक बीच किया उसके लाने टाइम में बारिश होता है। आज मैथिली बहुत खुश हो गई, बोली बड़ी अब साड़ी पहन के आई हो, एकदम तेज से चिल्लाती है। तो भी मैं जाके आ रही हूँ फटाफट, छाता दे दे लाडो। स्कूल से आई है, शूज खोल दिए, सॉक्स में डाल दी। मैं बोलूंगा मैं बड़ी दीदी को, दीदी आज आपकी तो दोस्ती से घर आते ही मूड बनाए रहती है, किसके साथ किसके साथ लड़ाई करना है, क्या कर। अरे यूनिफॉर्म चेंज कर, मैथिली जा इधर आओ, मैथिली जा। आज लाडो रानी के स्कूल है, था वो खाना खा रही है। मम्मी जा रही है कीर्तन में, जल्दी आ भैया, जल्दी आ भैया, ठीक छे। क्या ढीठपंती की हो आज तुम? क्या की हो? मेरा क्लच लगाई हो? ऊपर अभी क्या? कहाँ से तुम ली हो ये सब? आपके रूम से। मेरे रूम जाने के लिए कौन बोला था? कोई नहीं। तो फिर क्यों गई थी? भैया बोला। ठीक है, तुम मेरे से बात मत करना, ठीक है? मुझे पता था आप नहीं करोगी, बोलोगी हेलो गाइस का ढीठपंती देखिए। देखिए गाइस, आपके घर में भी ऐसे बच्चे हैं क्या? वो जो लिखा हुआ को बोल रही है ये गलत लिख दिया, कहाँ पे गलत लिखा हुआ जल्दी बताओ। पोहा लिखा है। कहाँ है पोहा? कहाँ कहाँ है पोहा लिखा हुआ, दिखाओ। कहाँ है पोहा लिखा हुआ? लिखा क्या है पहले ये बताओ ना। पोहा। कहाँ पोहा लिखा हुआ, हमको दिखाओ तो सही। पोहा। देखिए वो हिंदी गीत माला को पढ़ रही है, ये पोहा लिखा हुआ है, इसको तो खुद पढ़ना आता नहीं है,
और यह पोयम कहाँ, पोहा कहाँ पे लिखा हुआ है? पोहा लिखा हुआ है। देखिए ऊपर से देखिए, झूठ बोल के इतना कॉन्फिडेंस किसके पास रहता है, देख लीजिए इसका हालत। पोहा, आप लोगों को क्या ये पोहा दिखता है? और इसके साथ पाव भाजी। ऐसी बच्ची जिसको पढ़ाई में भी खाना दिख रहा है और हंस रही है ऊपर से। ये पोहा लिख दिया, देखो ये पोहा। अभी मैम को पाव भाजी, ठीक है ये व्लॉग मैम को, मैम तो देखेगी स्कूल वाली मैम, तब तुमको पोहा पाव भाजी स्कूल में बना देगी। हम जाएंगे स्कूल, कंप्लेन करेंगे और तुम्हारा पोहा भी बन जाएगा, तुम्हारा पाव भाजी, मतलब पढ़ाई में भी खाना पीना घुस जाता है इसके। आज नाश्ता दिए नहीं, आप देख रहे हैं, बोलिए नाश्ता नहीं नहीं ठीक, वो छोटा भूख था, अब बड़ा भूख, अब जा रहे हैं इसके लिए हम पूरी पूरी पनीर बनाने जा रहे हैं। मुंह देखे पूरी पनीर खा, मैथली बुक फटेगा, हम पिटा देंगे। ऐसे मारती है भाई, बुक से मारते हैं, डंटा से मारते हैं, हम तो डंटा, हमको बुक से होता है। पहले जमाना में ऐसे मारते थे, वो जमाना गया। आप कौन जो अब हम ऐसे मारते हैं? हाँ तो कीर्तन करने टाइम मेरे को कोई परेशान, डिस्टरबेंस मेरे अंदर नहीं होना चाहिए, हम तो पिटा देते हैं बच्चों को। आप लोग के घर में डमरू बना रहे हो आप बच्चों लोग? हाँ डमरू बना देंगे, ढोलक बना देंगे, पीट देंगे।